गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मैम, योर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न टॉपिक मिट्टू एंड द येलो मैंगो। सो टुडे आई एम एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स ऑन दिस टॉपिक, सो लिसन प्रॉपर एंड अंडरस्टैंड इट। सो फर्स्ट है न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है ब्लैक, BLAC के ब्लैक, ब्लैक यानि काला, ब्लैक यानि काला। नेक्स्ट है CROW, क्राउ, क्राउ मीन्स कौवा, क्राउ मीन्स कौवा, जो काव काव करता है। ओके, नेक्स्ट है MANGO, मैंगो, मैंगो सभी को पता है, मैंगो यानि आम। आम कौन से कलर के होते हैं? पीले भी होते हैं और कुछ हरे भी होते हैं, यस, तो मैंगो यानि आम। नेक्स्ट है पैरोट, PARROT, पैरोट यानि तोता, पैरोट यानि तोता। नेक्स्ट है लेट्स रीड, आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, आई लाइक ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट आई लाइक फीडिंग अ क्राउ, आई लाइक फीडिंग अ क्राउ। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, मिट्टू ने क्या देखा ट्री के ऊपर, क्या देखा मिट्टू ने? मिट्टू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, मिट्टू ने क्या देखा था? एक बहुत बड़ा येलो कलर का मैंगो, पीले कलर का आम देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्राउ से, एक बहुत बड़ा काले कलर का जो कौवा था उसने क्या कहा था? तो क्या कहा था? द बिग ब्लैक क्राउ सेड काव काव गो अवे दिस इज माई ट्री, क्या कहा था उसने? कि काव काव करते हुए कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, ये मेरी ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, मिट्टू ने ट्री के अंदर क्या देखा, क्या देखा? मिट्टू सॉ अ रेड बलून, मिट्टू ने उस पेड़ के नीचे क्या देखा था? एक रेड बलून देखा था। ओके, नेक्स्ट है लेट्स टॉक, डिड यू लाइक ईटिंग मैंगोज, क्या आपको मैंगो खाना पसंद है? ऑब्वियसली सभी को पसंद होंगे, पके हुए येलो कलर के मैंगो खाना सभी को पसंद है, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? येस आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, हाँ मुझे आम खाना पसंद है। ओके, नेक्स्ट है डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज, वाई, क्या आपको ग्रीन कलर के मतलब कच्चे आम खाना पसंद है? और अगर नहीं है तो क्यों, या है तो क्यों, उसका रीज़न भी आपको लिखना है। तो हम आंसर क्या देंगे? नो आई डोंट लाइक टू ईट ग्रीन मैंगोज, दे आर सोअर इन द सोअर इन टेस्ट, दे आर सोअर इन टेस्ट। कच्चे आम खाना पसंद है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खट्टे होते हैं जो हम खा नहीं सकते। तो ग्रीन मैंगोज हमें खाना पसंद है क्या? नो आई डोंट लाइक टू ईट ग्रीन मैंगोज, दे आर सोअर इन टेस्ट, क्योंकि उनका टेस्ट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है जो हम नहीं खा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक येलो मैंगोज भाई, अभी येलो मैंगो मतलब पका हुआ आम जो पीले कलर का होता है, क्या वो खाना आप सभी को पसंद है? हाँ, एक्चुअली येलो मैंगो सभी को पसंद है क्योंकि वो मीठे लगते हैं खाने में। तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? येस आई लाइक येलो मैंगोज, आई लाइक देयर स्वीट एंड जूसी फ्लेवर, क्योंकि वो कैसे होते हैं? बहुत ही स्वीट होते हैं और जूस के जैसे होते हैं, और उनका फ्लेवर कैसा होता है? बहुत ही अच्छा और जूसी टाइप होता है। यस, नेक्स्ट पेज, कलर द चिली रेड एंड द पैरोट इन कलर ऑफ योर चॉइस। अभी देखिए यहाँ पे ये कौन है, पैरोट है, तोता है, इसके जो बेक है, जो चोच है, वहाँ पे क्या है? चिली है। तो चिली को कौन सा कलर करना है आपको? एक्चुअली यहाँ पे कलर दिया गया है रेड कलर करना है। कौन सा कलर करना है? रेड। एंड अ पैरोट इन कलर ऑफ योर चॉइस, और पैरोट को कौन सा कलर करना है? तो वो आपके चॉइस से करना है, आपके पसंद से करना है। बट एक्चुअली जो पैरोट होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर में भी अलग अलग शेड होते हैं, तो आपको जो शेड पसंद है आप अपने हिसाब से इस
पैरट को कलर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। अभी ये कौन है? लेडी बर्ड है। अभी इसका जाने का रास्ता दिखाया है आपको, देखिए यहाँ से, तो आपको इसको क्या करना है, ट्रेस करना है इस लाइन से। तो आप क्रेयॉन से भी कर सकते हो या फिर पेंसिल से भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पे मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए हैं और यहाँ पे ट्रीज दिए गए हैं, तो जो जिसका जिस ट्री का वेजिटेबल है आपको वहाँ पे उसको क्या करना है, मैच करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है बनाना। तो बनाना ट्री कहाँ है, ये देखिए बनाना ट्री दिख गई सबको, बनाना ट्री। तो हमें यहाँ से बनाना से लेके बनाना ट्री तक मैच करना है। ओके, नेक्स्ट है कोकोनट ट्री, यहाँ पे लिखा भी है कोकोनट ट्री, ये कोकोनट है ये कोकोनट ट्री, तो आप कैसे इसको मैच करना है। ओके, नेक्स्ट है एप्पल, ये देखिए एप्पल, तो आप एप्पल ट्री देखिए कहाँ है, जहाँ पे लिखा होगा एप्पल ट्री, ये देखिए एप्पल ट्री लिखा है, यहाँ पे एप्पल्स भी लगे, तो आपको एप्पल से लेके एप्पल ट्री तक मैच करना है। नेक्स्ट है ग्रैप्स, क्या है ये ग्रैप्स, ये देखिए ग्रैपविन ट्री है, जो क्लाइंबर ट्री होती है, तो आपको इसको ऐसे मैच करना है। नेक्स्ट है मैंगो, और ये रही आपकी मैंगो ट्री, तो हमें इसको मैच करना है। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन्स, ये पिक्चर्स आपको देख रही है, ये डॉटेड लाइन्स दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस करना है। क्या करना है, इसके ऊपर आपको डॉटेड लाइन के ऊपर ट्रेस करना है, ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है से अलाउड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए थ्री लेटर, या आपको ज़ोर से बोलना है, मतलब लाउडली बोलना है, जैसे कि बैट कैट मैट बेड फेड रेट बीट हीट पीट डॉट हॉट पॉट बन फन रन, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है चूज अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो, यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स वर्ड्स है, तो यहाँ के ये वोवेल्स वर्ड्स यहाँ हमें यूज़ करना है, कौन सा कहाँ पे जाएगा ये आपको वहाँ पे उसको फिक्स करना है। तो जैसे कि यहाँ पे था फिलिंग द ब्लैंक्स एस डैश टी, तो मैंने लिख दिया वहाँ पे ए, ए से इट इज सैट। ओके, नेक्स्ट है पी डैश जी, तो पी डैश जी क्या होगा, उसमें आई लगा दिया तो ये हो गया पिग। ओके, नेक्स्ट बी आई जी बिग, यहाँ पे मैंने आई यूज़ कर लिया, फिर क्या है डॉट डी ओ टी डॉट। ओके, नेक्स्ट यू, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एस यू एन सन, एस यू एन सन, फिर क्या है एफ ए एन, मैंने यहाँ पे ए का यूज़ कर लिया, एफ ए एन मतलब फैन। नेक्स्ट है एल ई जी यानी लेग। ओके, नेक्स्ट एस आई टी यानी सीट। ओके, नेक्स्ट एल ओ टी लॉट, नेक्स्ट है बी यू एन यानी वन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉच 2 or 3 times and understand. Bye bye.